जब भी हम ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ है। और टाटा 1MG में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो आज इस मेंटल हेल्थ सीरीज़ में हम बात करेंगे स्किजोफ्रेनिया के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर जतिन उकरानी। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। और आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में जिसको हम स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं। इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्किजोफ्रेनिया अगर हम समझें, सिंपल शब्दों में जाने, तो ये एक शक वहम की बीमारी होती है जिसमें कि इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, कुछ सुनाई देती हैं, कुछ ऐसा वहम होता है जो कि वास्तविक नहीं होता है। कई बार इंसान जो है सच्चाई और उसकी इमेजिनेशन क्या है उसमें अंतर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा शक वहम होने लगता है। उसको ऐसा लग सकता है कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, या कोई उसको खाने में जहर मिला के दे रहा है, या किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है, या फिर उसको ऐसा भी लग सकता है कि उसके साथ कुछ अद्भुत घटना घट रही है, जैसे कि कोई भगवान दिखाई दे रहे हैं या कोई एलियन आ गए हैं। कुछ ऐसी विचित्र घटना उसके साथ हो रही है जो कि संभव नहीं है, एकदम जो है इम्पॉसिबल है और इलॉजिकल है। तो ये जो परिस्थिति है इसको हम स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं, और स्किजोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल कंडीशन है। तो स्किजोफ्रेनिया के अगर हम लक्षण देखें तो मुख्य रूप से तीन तरह के लक्षण होते हैं। सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव लक्षण। पॉजिटिव लक्षण मतलब हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स। हेलुसिनेशन मतलब कि इंसान को कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं या कोई चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि वास्तविक नहीं है। वो आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, आप लोगों को नहीं सुनाई देगा, बट जो एक स्किजोफ्रेनिक व्यक्ति है वो इस चीज़ पे पूरी तरह से विश्वास करेगा कि कोई व्यक्ति है जो कि उसको गालियाँ दे रहा है या उसको परेशान कर रहा है, उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो इस चीज़ को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। और इसी तरह से डेल्यूजन्स भी होते हैं। डेल्यूजन मतलब एक इस तरह का एक बिलीफ है, एक इस तरह का विश्वास है कि भाई हमारे साथ कोई घटना घट रही है, लोग सारे लोग जो हैं वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मिलजुल के हमारे अगेंस्ट प्लानिंग चल रही है, या कोई हमें फॉलो कर रहा है, या फिर हमारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, हमारी वाइफ का या हमारे पार्टनर का जो है किसी के साथ अफेयर चल रहा है या मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं। तो इस तरह के जो बिलीव्स हैं उनको हम डेल्यूजन्स बोलते हैं। और कई बार आप पेशेंट को बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जो है आपसे जिद पे अड़ा रहेगा, नहीं ऐसा तो मेरे साथ हो ही रहा है और ऐसा तो है ही है। तो इस चीज़ को डेल्यूजन बोलते हैं और ये पॉजिटिव लक्षणों में आता है। डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आर पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया। फिर आते हैं हमारे नेगेटिव सिम्टम्स। देखिए, नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो कुछ कुछ डिप्रेशन की तरह रिजेंबल करते हैं। जैसे कि नेगेटिव सिम्टम में एक होगा अफेक्टिव ब्लंटिंग। अफेक्टिव ब्लंटिंग मतलब चेहरे पे आपको जो है कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा इंसान के, कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखेगी, वो हंसेगा नहीं, वो रोएगा नहीं, बिल्कुल एकदम फ्लैट चेहरा होगा उसका। फिर दूसरा होता है एलोगिया। एलोगिया मतलब कि वो हाया नामे ही जवाब देगा, उसके बातों में जो है कई बार कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को शब्दों के ज़रिए, बहुत ही लिमिटेड बात करेगा, बहुत ही कम बात करेगा। फिर इसके साथ एनहेडोनिया भी होता है। एनहेडोनिया मतलब कि इंसान को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो अकेले अकेले रहेगा, बिल्कुल कमरे में बंद रहेगा। और इसके साथ साथ जो है एवोल्यूशन भी होता है। एवोल्यूशन मतलब कि इंसान को डेली एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी नहाएगा धोएगा नहीं, ब्रश नहीं करेगा, पूरे टाइम जो है वो अपने बेड पे ही पड़ा रहेगा या अकेले अकेले ही रहेगा। इन पॉजिटिव और नेगेटिव लक्षणों के साथ साथ कॉग्निटिव लक्षण भी होते हैं। कॉग्निटिव लक्षण मतलब जो कि हमारी मेमोरी को इम्पैक्ट करते हैं, याद करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, फोकस करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, एम्बिवेलेंस जिसको बोलते हैं कि हम ये करें या वो करें, या फिर जो है कई बार जो है प्रोसेस करने की क्षमता भी खराब हो जाती है। इंसान समझ नहीं पाता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा उसको, वो कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉग्निटिव लक्षण में आते हैं।
तो इनमें से अगर कुछ लक्षण आपको किसी व्यक्ति में कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं, तभी हम उसको स्किजोफ्रेनिया बोलेंगे। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि स्किजोफ्रेनिया क्यों होता है। तो देखिए, स्किजोफ्रेनिया होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ये जेनेटिक हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण रहे हैं तो आपको भी स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। कई बार ये ड्रग्स से हो सकता है। अगर कोई भांग, गांजा, चरस, इस तरह के ड्रग्स का सेवन बहुत लंबे समय के लिए कर रहा है तो उससे भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। कई बार ये किसी मेडिकेशन से हो सकता है, किसी दवाइयों से हो सकता है। कई बार ये सर पे चोट लगने से भी हो सकता है। अगर आपके सर पे कोई चोट लगी है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी स्किजोफ्रेनिया जैसे लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, और हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि स्किजोफ्रेनिया जेंडर में बायस नहीं करता है। स्किजोफ्रेनिया मेल्स और फीमेल्स को इक्वली इफेक्ट करता है। मेल्स में जनरली ये थोड़ा पहले आ जाता है, 20 से 30 साल के बीच में स्किजोफ्रेनिया स्टार्ट हो सकता है मर्दों में। महिलाओं में इसकी स्टार्टिंग जो है कई बार थोड़ी लेट होती है, 30s में होती है, 30s 40s के बीच में होती है, बट ये इक्वली अफेक्ट करता है। और ये करीब करीब 1% पॉपुलेशन में होता है। अगर 100 लोग हैं एक सोसाइटी में तो किसी एक व्यक्ति को उसमें से स्किजोफ्रेनिया होगा ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले फैमिली मेंबर को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ घटना घट रही है, विचित्र चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके हिसाब से वास्तविक नहीं है, केवल उसके इमेजिनेशन का पार्ट है या हेलुसिनेशन का पार्ट है, तो आपको तुरंत ही साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है उस इंसान के लिए। बिकॉज़ देखिए, स्किजोफ्रेनिया जो है वो एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, और कई बार इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लाइफ लॉन्ग भी चलता है। तो ऐसे केसेस में जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना बेटर रहेगा। कई बार ये दिक्कत भी आती है कि ये मरीज जो होते हैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बोलते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे साथ तो वास्तविक में इस तरह की चीज़ें घट हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, इस तरह के वो बहाने देते हैं, और कई बार वो ट्रीटमेंट में आना नहीं चाहेंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी बहाने से कैसे भी करके उनको कन्विंस करके ट्रीटमेंट उनका शुरू कराएं। एक बार साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कराएं, साइकेट्रिस्ट आपको सलाह देंगे कि आगे ट्रीटमेंट कैसे कंटिन्यू करना है। तो अगर हम स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को मेडिसिंस चलाई जाएं, एंटीसाइकोटिक्स चलाई जाए। बहुत तरह की एंटीसाइकोटिक्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, पेशेंट की क्या प्रोफाइल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाएगा। कई बार ऐसे केसेस में, सीवियर केसेस में, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है या दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है, ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी जो है किया जा सकता है, एडमिट भी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और पेशेंट को इंजेक्शंस के द्वारा, एंटीसाइकोटिक के ही इंजेक्शंस के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECTs का भी जो है रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिफ्रैक्ट्री केसेज हैं, दवाइयों से असर नहीं हो रहा है, इंजेक्शन से असर नहीं हो रहा है, तो फिर ECT भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो है थेरेपीज का भी सपोर्टिव रोल है। जितने भी कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी है या CBT है या टोकन इकोनॉमी, इस तरह के थेरेपीज जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। और साइको एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मरीजों का और फैमिली मेम्बर्स का, जिससे कि फैमिली को ये समझ में आएगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को कब तक इलाज लेना है और क्यों इलाज लेना है, और पेशेंट को भी ये समझाया जाएगा कि उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो वास्तविक नहीं है, वो उसके बीमारी के लक्षण हैं। देखिए, स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में केवल उसकी शुरुआत करना नहीं, उसका कंटिन्यू होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिली को ये इंश्योर करना है कि जो है पेशेंट जो है कंटिन्यूसली रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहा है और साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है। एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट से ये जो पेशेंट है वापस समाज में इंटीग्रेट हो सकते हैं, वापस अपनी जॉब रिज्यूम कर सकते हैं, उनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, सब चीज़ पॉसिबल है अगर पेशेंट कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेता है। तो कई बार फैमिली को ये लगता है कि पेशेंट जो हरकतें कर रहा है, जो बातें कर रहा है, वो इंटेंशनली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, या कोई ऊपर की हवा है, वास्तविक में कोई काला जादू है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शक वहम मरीज को हो रहा है, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, और ना ही वो कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऊपर की हवा है। ये सारे स्किजोफ्रेनिया के लक्षण हैं और आपको जल्दी से जल्दी जो है इलाज लेना बहुत ज़रूरी है इस परेशानी के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।